तो हेलो दोस्त, नमस्ते प्रणाम। मैं हूँ वंदना दुबे और स्वागत करती हूँ वंदना दुबे ब्लॉग पे आप सभी का। और आज हमारे पास आई है दीदी गोल्डी गोल्डी पांडे, पांडे, ऑफिशियल ना नहीं गोल्डी लोकगीत, पांडे लोकगीत। गोल्डी पांडे लोकगीत इनके चैनल का नाम है। तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट करना, सर्च मार के जरूर देखना इनके चैनल को। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सपोर्ट करिए। ये प्रियंका त्रिपाठी जी जो आई थी, प्रियंका तिवारी तिवारी उनके ही रिलेशन की हैं, और जैसी मौसी हैं प्रियंका त्रिपाठी जी की मौसी हैं। तिवारी को त्रिपाठी बोलते हैं, त्रिपाठी बोलती हैं। तो प्लीज़ जैसे प्रियंका दीदी का आप लोग सपोर्ट करें, उनका चैनल मोनो हो गया है, वैसे दीदी का भी सपोर्ट करिए, इनको भी आगे बढ़ाइए आप लोग। और बहुत ही प्यारा प्यारा गीत गाती हैं, हालांकि बहुत अच्छे घर से हैं और मतलब अच्छे से गीत गाती हैं, गीत भी बहुत सुंदर है, आवाज़ भी बहुत प्यारा है इनका। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो शायद ये भी आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे लोग का सपोर्ट करना ज़रूरी है ताकि अपने गांव का, अपने शहर का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे यहाँ आई हैं और ये कुछ खास मेहमान के यहाँ की हैं, अंजू दीदी के, अंजू उपाध्याय दीदी के यहाँ की हैं। उन्हीं की ननद हूँ मैं, अंजू उपाध्याय दीदी की ननद हैं, उनके बुआ की लड़की हूँ मैं, बुआ की लड़की हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आई और मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम इतना लोग प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। तो गाइस, जितने भी सोशल मीडिया पे जुड़ी हुई हैं परिवार, जो दिल मैं अपने वंदना दीदी की देखती हूँ वो बहुत कम में मिलता है। तो मैं, आप लोग प्यार दुलार जब मिलेगा और मैं आगे बढ़ूँगी तो सबसे पहले श्रेय हमारे वंदना दीदी का रहेगा। और जब मैं बढ़ भी गई तो सब कुछ तो बाद में, लेकिन एक दूसरे का सहारा देना, हेल्प करना या एक दूसरे को आगे बढ़ाना, ये चीज़ मैं इनको, इनसे सीखती हूँ और ये अनुसरण मैं ज़रूर करूँगी दोस्तों। बिल्कुल, आप एक दूसरे का सपोर्ट करिए, अपनी स्थिति कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम कभी भूलते नहीं, हमारा चैनल भले ही बैठा जा रहा है लेकिन हम यही सोचते हैं कि एक दिन हम भी इसी स्थिति से, इसी गरीबी से और उठे हैं, तो आज हम अपनी स्थिति भूल जाएं तो अच्छी बात नहीं है और भगवान हमारा भला भी नहीं करेगा अगर हम अपनी स्थिति भूल जाएंगे। तो अपनी स्थिति कभी नहीं भूलना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज सबका साथ था, आशीर्वाद था, तब हम ये जो दो पैसा कमा रहे हैं और हस्बैंड भी नौकरी छोड़ के बैठे हैं, इसी के सहारे हम लोग मतलब चल रहे हैं, अपना घर परिवार संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, बस यही है आप लोग का आशीर्वाद से ही। तो आप लोग ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद सब पर बनाइए और हमारे पे नहीं, जितने भी हमारे लोग आ रहे हैं, जितने हमारे पास, जितने हमारी सिस्टर आती हैं, माता आती हैं, बहन आती, कोई भी आता है, हम सबको एक नज़रिए से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे सब्सक्राइबर, बड़े सब्सक्राइबर से हमसे ये लेना देना नहीं, ये नहीं कि बड़े सब्सक्राइबर आए तभी हम सपोर्ट करें, छोटे सब्सक्राइबर को नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जीरो से यहाँ तक चैनल भी बनता है, चैनल भी लोग बना के जाती हैं और दूर दूर से फ़ोन भी करती हैं और नाम लेने के लिए। तो प्लीज़ एक दूसरे का सपोर्ट करिए। और मैं बस मेन कारण, मुद्दा यही है कि अपना स्थिति याद रखते हुए एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो अपना भला तुरंत होगा। अगर आप अपनी स्थिति भूल जाएंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए आप लोग दूसरे का सपोर्ट करिए और एक दूसरे का चैनल फुल वॉच करके देखिए। थोड़ा गाना देख के आप हटा देते हैं तो आपका भी चैनल डाउन, दूसरे का भी चैनल डाउन हो जाता है। तो आप दूसरे का फुल वॉच करके देखिए, एक ही मतलब हफ्ते में एक दिन देखिए, दो दिन देखिए, तीन दिन देखिए, कभी भी देखिए तो फुल गाना देख के तब कमेंट करिए एक दूसरे के चैनल पे, तो सबका भला होगा। इतने पब्लिक हमसे जुड़े हैं, अगर एक दूसरे का फुल वॉच करके देखें ना तो आपस में ही व्यू पूरा हो जाए और आप लोग अपना चैनल भी चला सके। तो बस मुझे ही खुशी है, अंजू उपाध्याय दीदी के घर से आई हैं और एक शांति चौहान हैं, आप लोग देखी हैं, आइए। तो इनका चैनल नहीं चल रहा है और चैनल हालांकि मोनो हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि मम्मी को ना तो एडिट करने आता, वीडियो लोड करने भी नहीं आता है, गाना गाती हैं ऐसे ही, लिखती भी नहीं है, लोड कर देती हैं। मैं यहाँ चैनल ली हूँ और जब ये लोड कर देती हैं तो मोनो हो गया चैनल, मैं यहाँ से सब करती हूँ, मोनो कर देती हूँ, ऐसे डाल देती हैं। तो अब कि हमारे पास बहुत पब्लिक है, हमें टाइम नहीं मिलता, फिर भी टाइम निकाल के मम्मी का चैनल मैंने लिया क्योंकि इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, इनका चैनल देखने वाला नहीं है, लोड करने नहीं आता है, सिर्फ गाती हैं। और फिर तब मैं परेशान हो गई, बार बार आई और इनको लोड इतना गाना बना के दी कि लोग इनका डिलीट भी कर देते हैं, लोड भी नहीं कर पाती हैं। मैं इसीलिए मैं अपने पास चैनल ले ली और चैनल लेके इनको, इनका चैनल यहीं से मैं देखती हूँ।
आप लोग बहुत सपोर्ट करें और बहुत दुलार प्यार दें, हमारा महतारी जान के हमारे साथ ही बहुत बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे समझ के इनको मैं सपोर्ट की हूं। आप लोग इनकी स्थिति सुनेंगे तो शायद है कि रोटी के जान हमारे जब तक भी पेट भरे भैया आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया होगा कि आप लोग इनका सपोर्ट करेंगे। शांति चौहान सर्च मारने के बाद तुरंत आता है, पहले नहीं आता था और मैं गीत अपने मन से यहाँ से अपलोड करके दी और लिखती हूँ कि लिखती भी नहीं है, मैं लिखती हूँ कि क्या गीत है क्या नहीं है। कोई कोई गाने पे नहीं लिखा रहता, मैं लिख के तब पब्लिश करती हूँ, चैनल मोनो करती हूँ इनका। कितना करूँ, अगर आप सबका साथ रहेगा थोड़ा इनका भी साथ हो जाएगा। मैं तो बहुत करती हूँ, जितना भी करती हूँ टाइम मिलता है। लोग थोड़ थोड़ करिए तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ये तो भरपूर करते हैं दादा लोग, थोड़े थोड़ करिए। गाड़ी चला के कोई लेके आने वाला नहीं रहता, फिर भी कैसे कैसे करके आती हैं हमारे पास। और दूर है घर, नहीं तो हम क्या करें, हम यहीं पर बुला लेते हैं और आती हम अपना गाना अपलोड करके दे देते। बहुत दूर हैं ये, जिसको सपोर्ट करने वाला है उसको तो सब सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग सपोर्ट कर ले देंगे, अगर किसी का दो वक्त की रोटी चलेगी, आप लोगों को कितना पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा, वो आप लोग ही समझ सकते हैं। आप लोग का ऊपर वाला देंगे। अब हमने लिखे ना जाओ भाई, हम पढ़े लिखे ना, पहले मना ही कहाँ उतना पढ़ा। ऐसे ही अपलोड कर देती है, गाना गाओ या बात है, गाना गा देती है, ऐसे अपलोड कर देती है, तो मैं सब कंप्लीट करती हूँ। एबिटी कुल कराती कहीं चला, हम जब तक जी वो मम्मी या हमारे अगर हमके जब तक हमारे भाई रात तहार हम सपोर्ट करो, जब तक तनी हमार सही भी स्थिति दिमाग फ्रेश बा, हम आपके जब तक रहे बंद पर तब तक सपोर्ट करेंगे। ये रहते चली आए हमेशा हमेशा आगे रहेंगे। सोचा था पूछा दिन के कैसे उनके लगे पहुंच गए, हमको भगवान लाई आए ना, चला वंदना जी के लगे आपको वही से जो आई पेट भरे, खाना भोजन सब कुछ मिले भैया बिल्कुल। और माता जी को अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हम हर चीज से सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, जो भी है हमारे पास हम हमेशा साथ हैं। और आप लोग का साथ रहेगा तो शायद चैनल से दो पैसा आएगा, नहीं आएगा फिर भी हम लोग हैं साथ में और देंगे, लेकिन आशा रहेगा कि थोड़ा आ जाएगा तो इनका आशा रहेगा। जो भी रहेगा कितना हम मतलब देंगे, अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे कि इनका पर्सनली कुछ आएगा तो उससे अपना काम करेंगे, तो प्लीज़ इनका चैनल सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। बस इतनी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। शांति चौहान है और इधर हमारी प्यारी दीदी हैं गोल्डी तिवारी, गोल्डी पांडे लोकगीत जी हैं और शांति चौहान जी हैं। बहुत हमका दुलार प्यार करा थी भैया, अपने दिल तो सबके पास होता है लेकिन दिल वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर हमारा सपोर्ट करेंगे मिलते हैं तब बोन से घड़ा मम्मी भी इनके ही जैसी हैं, जैसे ये तकलीफ में सी हमारी मम्मी भी इतना तकलीफ झेली है और इतने तकलीफ से मुझे पाली है, ऐसा की है। तो जब मम्मी रोती है तो हमारी भी मम्मी रोती हैं और हम भी रोई हैं और हम अभी भी याद करते हैं कि हमारी मम्मी कैसे हमें पाली हैं, मम्मी पापा सब लोग। तो प्लीज एक दूसरे का चैनल सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। हमारी बेटी सपोर्ट करते हैं, बेटी ये नहु हैं, हम इनका अपन लड़की मान लेंगे। आप लोग सपोर्ट करें, जाना बहु को आगे बढ़ावा जाए मिनट के। तो प्लीज़ शांति चौहान के चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए ताकि इनका भी अपना घर परिवार चले। इनके हस्बैंड को आप देख लेंगे तो आप ऐसा नहीं मानेंगे, मम्मी तो थोड़ा टाइट है सही है, पापा तो एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं। आई नाई पान अब के लिए आई है, क्यों ले आई के आई गई है, आई नाई पान दूसरे को लेके आई है, लो हो जाए थोड़ा कैसे लेके रस्तम कहूँ। इनकी बेटी साथ देती है पैसा कौड़ी, इनकी बेटी देती है, लड़की देती है, जो भी होता है थोड़ा बहुत अपना देती है, इनका घर चलता है। हाँ भैया सब हमारा लड़की देते, दवा दारू जो उनकी खर्चा लगा था वो हमारा लड़की देते भैया। गोल्डी पांडे लोकगीत सपोर्ट करिए, एक बार जरूर सर्च मार के देखिएगा, इनको भी आगे बढ़ाइए, अपने गांव का नाम का अपने जिले का रोशन करें नाम। और हम सोचते हैं ऐसे ऐसे लोगों का, अम्बेडकर नगर जिले से हूँ मैं, ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिले हमें भी बहुत खुशी होती है। हमारे पास इतना जनता है, इतनी पब्लिक है, बहुत अच्छा लगता है। गोल्डी पांडे अंजू उपाध्याय की ननद हूँ और दीदी जी की देवरानी मानी है हमारी देवरानी जी आई है। तो आप दोस्तों